अगर हम बेटे की एज में जो आज की एज है उसमें से 7 साल माइनस करें और उसको 3 से मल्टीप्लाई करें और फादर की एज में से 7 साल माइनस करें तो दोनों की दोनों वैल्यू इक्वल होंगी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। इसी तरह हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं, आफ्टर 7 ईयर द एज ऑफ द फादर विल बी ट्वाइस ऑफ हिज सन। 7 साल बाद बेटे की एज में हमने 7 साल ऐड किए और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, बाप की एज को हमने 7 साल जो है इसमें ऐड किए, तो ये दोनों की दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल होंगी। अब हमने इन इक्वेशन की बेस पे जो है वो हमने फाइंड करना है कि बेटी की एज क्या होगी और बाप की एज क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, अगर हम फादर और सन को एक्स और वाई से प्रेजेंट करें तो इसमें कोई एरर नहीं है, ये भी ठीक है। इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें, देखिए 3 को हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया, 7 से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे जो -7 था इसको हम यहाँ पे ले प्लस हो गया, और इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने वाई जो है वो इस तरफ इक्वल टू के शिफ्ट कर दिया है और 14 को इस तरफ शिफ्ट कर दिया है। इस तरह हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हमारे पास फाइनल जो इक्वेशंस आई हैं यहाँ पर हम सिमल्टेनियसली मेथड जो है उसके साथ इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की ट्रिक को यूज करते हुए। देखिए मैंने यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है इसको शो करवा लिया है, आपने मोर के बटन पर क्लिक करना है, 5 यहाँ पर इक्वेशन के लिए है इस पर क्लिक करना है, 1 पे क्लिक करना है। अब हमने पहली इक्वेशन में हमारे पास एक्स के साथ क्या है, 3 है, हमने 3 जो है एंटर करना है, इक्वल टू करना है। वाई के साथ हमारे पास -1 है, यहाँ पे 1 शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर इसके साथ कोई वैल्यू ना हो तो हम 1 कंसीडर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे -1 लिया, एक बार फिर हम इक्वल टू करते हैं तो बी की वैल्यू हमने -1 ले ली है। अब हमारे पास यहाँ पे 14 है तो इसको 14 लेंगे, इक्वल टू कर लेंगे, पहली इक्वेशन की वैल्यूज एड हो गई है। सेकेंड इक्वेशन में चलते हैं, मैंने 2 लिया, एक्स के साथ 2 है, वाई के साथ -1 है, और इक्वल टू के जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे हमारे पास -7 है, मैंने -7 पुट किया। अब मैं इक्वल टू करूंगा तो एक्स की वैल्यू यानी कि सन की जो वैल्यू है मेरे पास 21 आई है और फादर की जो वैल्यू है वो 49 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाप की जो एज है, फादर की जो एज है आज के दिन वो 49 ईयर है और बेटे की जो एज है वो 21 ईयर है। देखिए 21 में से अगर मैं 7 को माइनस करूं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 14 आएगी, 14 आएगी। अगर हम 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो 42 आता है, और इसी तरह 49 में से आप 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 42 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमारे पास ये करेक्ट वैल्यू है। अगर हम क्वेश्चन में जाएं तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन में हमारे पास ना तो 49 है और ना ही 21 है, तो हमारे पास डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसी मजीद वीडियो से अपडेट रहने के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इसी तरह की वीडियो से अपडेट रहना चाहती हैं तो अभी हमारे इस व्हाट्सएप के नंबर पर मैसेज करें। आपको कीएम की तमाम जो वीडियोस हैं और जो भी स्टडी मटेरियल है वो सब के सब शेयर कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।